हमारे देश में एक से एक स्कैम सामने आ रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, सत्यम स्कैम, कोल स्कैम, और इन स्कैम से लोग परेशान हो चुके थे। आम आदमी के मेहनत से कमाए गए पैसे कुछ चंद लोगों के जेब भरने में काम आ रहे थे। इन्हीं में से एक स्कैम ने एक ऐसे मूवमेंट को जन्म दिया जिसने सिर्फ देश के ही नहीं विदेश के भारतीय लोगों को भी एकजुट होने पे मजबूर कर दिया, और ये था CWG स्कैम। बिना सोचे लोगों ने अपने जॉब, फैमिली, सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इस पूरे मोर्चे को संभाला हुआ था, जिन्होंने ठान लिया था कि करप्शन को देश से खत्म कर देंगे, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया था कि इस आंदोलन का मकसद सिर्फ करप्शन को खत्म करना है, राजनीति करना नहीं। और यही रीजन था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे। पर इस आंदोलन के समाप्त होते ही लोगों के असली रंग दिखने शुरू हो गए। जिस काम के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था उसका किसी ने जिक्र तक नहीं किया। इसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी बनकर निकली, पर लोगों का भरोसा बार बार टूटता रहा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर टीम के मेंबर्स एक एक करके निकलते गए। जो पॉलिटिकली एक्टिव थे उनको किसी न किसी बहाने से बाद में निकाल दिया गया। जिस दलदल को साफ करने के लिए हम आम आदमी के बीच से एक व्यक्ति उठ कर गया था, वो उसी दलदल का हिस्सा बन गया। ये जो पूरा ट्रांजिशन आया वो क्यों आया, क्या रीजंस थे कि जो लोग जिस व्यक्ति में अपने भविष्य को देखते थे अब उसी से नफरत करने लगे थे? ऐसी कौन सी वजह थी कि अरविंद केजरीवाल ने एकदम यू टर्न मार लिया और उनका दूसरा रूप लोगों के सामने आया? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ये पूरा जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए जो भी फैक्ट्स हैं उसके जो रेफरेंसेस हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करना ना भूले। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली में हो रहा था और हमारा देश इसमें बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रहा था। हमारे देश ने टोटल 101 मेडल जीते। अब होना तो ये चाहिए था कि हमारे देश का नाम रोशन हो, बट हुआ कुछ और। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स था इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। इसमें करीब 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया था। इससे पहले कि हमारे देश का नाम रोशन होता, ये हमारे पूरे देश के लिए एक एम्बैरेसमेंट का कारण बन गया। घटिया फैसिलिटीज और बेहद खराब मैनेजमेंट के कारण बहुत सारे एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। स्विमिंग पूल में जो पानी भरा गया था वो भी बहुत बेकार क्वालिटी का था और इसके कारण बहुत सारे एथलीट्स बीमार भी पड़ गए। और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ था वो किस लेवल पे हुआ था। इस स्कैम में अक्यूज बहुत बड़े बड़े लोग थे। दिल्ली के उस समय के चीफ मिनिस्टर लेट शीला दीक्षित, कॉमनवेल्थ गेम्स के चेयरमैन सुरेश कलमारी, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम था। इतना कुछ होने के बावजूद उस समय के कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ भी खास नहीं किया। इस स्कैम के बाद भी स्कैम हुए और इस स्कैम के पहले भी स्कैम हुए थे। भारत की जनता टीवी के ऊपर हर दिन किसी न किसी स्कैम के बारे में सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। हर साल कोई न कोई नया स्कैम सामने आता था। इस करप्शन से लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं। अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर रह चुके थे और RTI फाइल करना इन्हें बहुत बखूबी आता था। अरविंद केजरीवाल को भी ये पता था कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि जिनसे ये लड़ाई है वो इस देश के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा और एक टीम बनाई। अरविंद केजरीवाल के साथ किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश और कुछ और लोग थे। इन सब ने मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसके इंप्लीमेंट होने के बाद करप्शन पे अंकुश लग जाता और इसका नाम रखा गया जन लोकपाल, जिसे कि आप लोग जन लोकपाल बिल के नाम से भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और उनके टीम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, और किसी भी प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि ऐसा व्यक्ति उस प्रोटेस्ट में मौजूद हो जिसको कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हो और बहुत सारे लोग पसंद करते हो। और यहीं पे नाम सामने आता है अन्ना हजारे का। और इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन को RSS भी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि RSS भी चाहता था कि इस देश से करप्शन खत्म हो। तो इसलिए अन्ना हजारे को अप्रोच किया जाता है, क्योंकि अन्ना हजारे इस टाइप के मूवमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अन्ना हजारे इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और उनके साथ साथ रामदेव बाबा भी आते हैं और वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। और ऐसे करते करते और भी बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़ जाते हैं। फिर ये जो प्रोटेस्ट होता है वो एक मूवमेंट का रूप ले लेता है। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि सिर्फ भारत से ही नहीं, जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो लोग भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अलग अलग कंट्रीज में इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए पोस्टर्स, बैनर्स और रैलियां निकाली जा रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ये भरोसा दिलाया था
कि इस मूवमेंट का उपयोग कहीं पे भी किसी भी तरीके से राजनीति के लिए नहीं किया जाएगा, इस मूवमेंट का यूज कहीं पे भी किसी तरीके से पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया जाएगा, ना ही मैं कभी कोई पॉलिटिशियन बनूंगा। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि इतने सारे लोग इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये मूवमेंट RSS का है या फिर RSS सपोर्टेड है ये ना दिखे, इसके लिए इस पूरे मूवमेंट के अंदर जो बाकी के और रिलीजन के लोग हैं उनको इन्वाइट किया गया और उन लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। अब इतने सारे लोगों के इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के कारण कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, और अगर वो इसके ऊपर कुछ नहीं करते तो उनके गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ जो बीजेपी बैठी हुई थी वो कांग्रेस को हर तरफ से घेर रही थी। तो कांग्रेस ने इस जन लोकपाल बिल के ऊपर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो टीम था, यानी कि जो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का टीम था, उनके साथ बातचीत करना शुरू किया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब इसके बाद अन्ना हजारे वापस से अनशन के ऊपर बैठ जाते हैं और इस बार जो अनशन किया जाता है वो रामलीला मैदान में किया जाता है, और अब यहाँ से जो चीजें होती है वो धीरे धीरे करके डगमगानी शुरू होती है। कांग्रेस गवर्नमेंट जन लोकपाल बिल के कुछ पॉइंट्स के ऊपर रेडी हो जाती है और साथ ही में बात करने के लिए भी अग्री कर जाती है, क्योंकि प्रेशर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, सामने से बीजेपी भी कांग्रेस को घेर रही थी और साथ ही साथ कुछ महीनों के बाद ही 2014 के जनरल इलेक्शंस होने वाले थे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अन्ना हजारे अपना अनशन तोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहते थे कि अन्ना हजारे इस अनशन को तोड़े। अब अन्ना हजारे इस अनशन को एक्सटेंड करते हैं और टोटल जो अनशन होता है वह 10-12 दिन तक चलता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन जो बॉडी होती है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के बाहर अगर हम जाएंगे तो ये हमारे शरीर के लिए खतरा हो सकता है। तो 12वें दिन अन्ना हजारे को ये समझ में आ जाता है कि उनकी जो तबीयत है वो बहुत खराब हो रही है, और अगर अभी उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा तो उनके शरीर के लिए ये खतरा हो सकता है। तो अब अन्ना हजारे अनशन तोड़ना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि वो अन्ना हजारे अनशन तोड़े। शायद अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के मन को भाप गए थे, उन्हें शायद ये समझ में आ गया था कि अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ और चल रहा। इसके बाद अन्ना हजारे अपने आदमियों से कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर उनको गवर्नमेंट के पास भेजते हैं और गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि जिन पॉइंट्स पे आप अग्री हुए हो कम से कम उसका एक लेटर लिख के दो, क्योंकि मैं अनशन तोड़ना चाहता हूँ। फिर एक लेटर अन्ना हजारे के पास आता है और वो अनशन तोड़ देते हैं। और तब मैंने अरविंद के स्वरूप को देखा, इतना ज्यादा वो जो चेहरा जिसमें मासूमियत मुझे नजर आती थी उसमें एक बिल्कुल ही एक घिनौनापन और एक क्रूरता मुझे उस चेहरे में दिखाई दी। आई सॉ इन हिज आईज दैट काइंड ऑफ रूथलेसनेस, अ मैन विदाउट एनी स्क्रूपल्स, विदाउट एनी कॉन्शियंस एंड विदाउट एनी इमोशंस, द वे ही रिएक्टेड व्हेन नॉट जस्ट मी बट मेनी अदर्स गॉट टुगेदर एंड लिटरली पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ब्रेक द फास्ट। लेकिन वो भी डर गए कि 12-13 दिन हो रहे हैं और मैं कब तक खींच पाऊंगा। तो उन्होंने अपने गांव के लोगों को विलासराव देशमुख कैबिनेट मिनिस्टर के पास भेजा कि भाई मैं तोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन ये जिद पे अड़ा हुआ है, तो आप मुझे कोई ना कोई एक ऐसा पत्र दो आश्वासन का तो मैं तोड़ दूं। लेकिन वो पत्र जो है हिंदी में या मराठी में देना ताकि मुझे इनसे ना पढ़वाना पड़े। अब अन्ना हजारे के अनशन तोड़ने के बाद ये जो पूरा मूवमेंट है ये शांत ना हो जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी पता था और इस पूरे टीम को पता था कि कांग्रेस कभी भी यू टर्न मार सकती है, और जिसका डर था वही हुआ, कांग्रेस ने यू टर्न मार लिया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अन्ना के अनशन टूटने के बाद कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए, और अब अरविंद केजरीवाल और इस पूरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टीम को यह समझ में आने लगा था कि अगर सच में इस जन लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट करना है, करप्शन को खत्म करना है, तो हमें पॉलिटिक्स में कूदना पड़ेगा और खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाकर खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम इस पूरे मूवमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बट इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो कोर टीम मेंबर्स थे वो इस इलेक्शन लड़ने के आइडिया के सख्त खिलाफ थे, तो बहुत सारे लोग जो कि इस कोर टीम के मेंबर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को एग्जिट कर दिया, जिनमें से अन्ना हजारे भी थे, क्योंकि ये जो इलेक्शन लड़ने का आइडिया था ये इस पूरे मूवमेंट के एथिक्स के खिलाफ था। इस मूवमेंट को लोग सपोर्ट ही इसीलिए कर रहे थे ताकि बाद में इसका कोई पॉलिटिकल फायदा ना उठा ले। तो जो भी कोर टीम के मेंबर्स थे जिन्होंने इस टीम को एग्जिट किया, शायद उन्हें ये पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है। तो वो लोग जो कि पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, जैसे कि कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, संजय सिंह, प्रशांत भूषण, तो इन लोगों ने मिलकर जनता से पोल किया कि क्या हमें राजनीति में आना चाहिए। तो जनता ने हाँ कहा और सपोर्ट भी किया, इस आस में कि शायद उसके बाद हमारी समस्याएं खत्म हो जाए
और इस देश से करप्शन खत्म हो जाए। तो यहाँ से शुरू होता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये अनाउंस करते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। अब ये जो पूरा मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, ये किसी और ही दिशा में जा चुका था। शायद इस पूरे मूवमेंट को इसीलिए शुरू ही किया गया था ताकि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उसको नीचे गिराया जा सके, ये जो यूपीए की सरकार है उसको हटाया जा सके और किसी और सरकार को लाया जा सके। क्योंकि इस मूवमेंट के खत्म होने के बाद और कांग्रेस गवर्नमेंट गिरने के बाद हमने इस पूरे जन लोकपाल बिल के बारे में बहुत कम सुना और ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को चंदा भी देते हैं ताकि आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ सके। अब आम आदमी पार्टी ने इस प्रॉमिस पे अपना पार्टी बनाया था कि हम बाकी के पार्टियों के जैसे नहीं रहेंगे, हम किससे कितना चंदा लेते हैं, कौन हमें कितने पैसे देता है, इसकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी और वेबसाइट के ऊपर इसे शो किया जाएगा। हमारे पार्टी के अंदर जो पावर होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, इसका मतलब कि कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसके हाथ में पूरी पावर होगी, बल्कि पूरे पार्टी के अंदर जितने भी लोग होंगे उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो गवर्नमेंट फॉर्म होने के 27 दिन के भीतर ही इस जन लोकपाल बिल को हम लोग दिल्ली की असेंबली में पास करेंगे। इसके बाद दिल्ली की जनता ने वापस से आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना भरोसा दिखाया, क्योंकि जो जनता थी वो अरविंद केजरीवाल के अंदर अपना भविष्य देख सकती थी। उन्हें ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल उन्हें इस पूरे दलदल से बाहर निकालेगा। आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिलती है, बीजेपी को 31 और कांग्रेस को सिर्फ 8। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आम आदमी पार्टी को इतने सारे सीट मिलेंगे और इतना ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। पर दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किसी भी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी नहीं था और इस कारण से उन्हें एक दूसरे के साथ गठबंधन करना पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों एक दूसरे के एकदम खिलाफ थे, तो तीनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ कोलिशन नहीं करना चाहता था, गठबंधन नहीं करना चाहता था। अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहर से सपोर्ट करने का प्रस्ताव रखा और आम आदमी पार्टी मान गई। और यहाँ पे दिल्ली की जनता को ये लगा कि ये व्यक्ति आखिर कर क्या रहा है। इस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था कि ये दिल्ली के अंदर से करप्शन को खत्म करेगा, हमारे देश से करप्शन को खत्म करेगा, और ये खुद अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहा है। इसने तो कहा था कि ये पावर का भूखा नहीं है, तो फिर ये कांग्रेस के साथ हाथ कैसे मिला रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 27 दिनों के भीतर वो इस जन लोकपाल बिल को असेंबली के अंदर पास करेंगे। अब यहाँ से जो पॉलिटिक्स होता है वो बहुत ही तीखा मोड़ लेता है। कांग्रेस के लीडर्स इस जन लोकपाल बिल को असेंबली के अंदर समर्थन देने के लिए रेडी हो जाते हैं और अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि यही सबसे अच्छा मौका है जब हम इस बिल को आराम से पास कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जैसे ही इसे असेंबली के अंदर पास करवाने वाले होते हैं, ठीक उससे पहले जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो असेंबली के स्पीकर को एक लेटर लिखते हैं और लेटर में वो ये लिखते हैं कि जन लोकपाल बिल में उनकी सहमति नहीं है। अब दिल्ली के अंदर जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर कंफर्मेशन नहीं देते हैं तब तक किसी भी बिल को असेंबली के अंदर पेश नहीं किया जा सकता है। और इस कारण से जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने असेंबली के अंदर जन लोकपाल बिल को पेश किया, वैसे ही कांग्रेस के एमएलए और जो बीजेपी के एमएलए थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे एमएलए ने मिलकर खूब हंगामा किया और बार बार उनका यही कहना था कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंफर्मेशन के इसे हम लोग असेंबली के अंदर पेश ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसके ऊपर डिस्कशन करना और इसे पास करना तो दूर की बात है। और अब तक अरविंद केजरीवाल ये समझ चुके थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कांग्रेस का काम कर दिया है। ये सब कुछ हुआ था शुक्रवार को और शुक्रवार का जो दिल्ली असेंबली का सेशन था वो खत्म हो चुका था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में प्ली डाली जाती है ताकि इस बिल को दिल्ली असेंबली में बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के लाया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट इस प्ली को सुनने के लिए रेडी हो जाती है और ट्यूसडे का समय देती है। 3 दिन बाद इस प्ली की सुनवाई होनी थी और अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस चीज को दिल्ली के कोर्ट से कंफर्मेशन लेके फिर इस बिल को दिल्ली असेंबली में पेश कर सकते थे और मे भी इसे पास भी करवा सकते थे। पर शायद अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ और ही था। शायद अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि अभी रिजाइन कर देना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ महीनों के बाद 2014 के जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं और उसके लिए कैंपेन करना भी जरूरी है, और साथ ही साथ पब्लिक को ये समझाने में आसानी भी होगी कि बीजेपी और कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने इस बिल को पास करने से मना कर दिया, वो इसको समर्थन नहीं कर रहे हैं और इस कारण से मैंने रिजाइन कर दिया। जबकि बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए का ये कहना था कि ये जो बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां से कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो इसे हम दिल्ली असेंबली के अंदर डिस्कस कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये इस बिल को समर्थन ना करने का एक दूसरा एक्सक्यूज था। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर देते हैं और दिल्ली के अंदर 1 साल तक प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का शायद हिडन एजेंडा ही यही था कि कांग्रेस गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से गिराया जाए, और हुआ भी वही। कुछ महीनों के बाद जैसे ही जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर जाती है, कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी कुछ और पार्टियों के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है
और जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसके बाद इस जन लोकपाल बिल के बारे में शायद ही कहीं बात होता है। आगे चलकर कुछ सालों के बाद आम आदमी पार्टी जन लोकपाल बिल पेश करती है, लेकिन वो एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, ओरिजिनल वाला नहीं। तो दिल्ली में वापस से इलेक्शन होता है और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी में पिछली बार से भी ज्यादा भरोसा दिखाती है और उन्हें पिछली बार से भी ज्यादा वोट देती है, और इस कारण से आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब दिल्ली की जनता ने बार बार अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया, बार बार भरोसा दिखा, लेकिन दूसरी बार गवर्नमेंट फॉर्म होते ही अरविंद केजरीवाल का जो कथनी था और जो उनका करनी था उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखे जाने लगे। जिस एथिक्स के बारे में अरविंद केजरीवाल बात करते थे और जिस एथिक्स के बेस के ऊपर आम आदमी पार्टी बनाया गया था, काम ठीक उसके उल्टा हो रहा था। जैसे कि आम आदमी पार्टी के वेबसाइट से उनके डोनर्स के लिस्ट को हटा दिया गया कि आम आदमी पार्टी को पैसे कहां कहां से मिलते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के यूट्यूब चैनल को रीनेम करके उसे ऑफिशियल आम आदमी पार्टी का यूट्यूब चैनल बना दिया गया। यहां पे आप देख सकते हो कि ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और इसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पुराने वीडियोस आपको मिलेंगे, और जो हैंडल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था उस हैंडल को यूआरएल में डालने से आम आदमी पार्टी का यूट्यूब चैनल खुलता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर टीम मेंबर ने बताया कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फेसबुक पेज था वहां से उनके फॉलोअर्स चुरा कर एक दूसरा फेसबुक पेज बनाया गया, फाइनल वॉर अगेंस्ट करप्शन, और उस पे अब आप देखोगे तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से रिलेटेड पोस्ट आते हैं। एक तरीके से आम आदमी पार्टी के आईटी के सेल के जैसा काम करता है। सुबह सुबह किसी का 4-5 बजे फोन आया कि आपके पेज के फॉलोअर्स कम होते जा रहे, उनके बढ़ते जा रहे और तेजी से, मतलब हर घंटे में कई हजार के दर से। तो मैंने भी देखा, हाँ ऐसा हो रहा था। ऐसे करते करते पता चला इनके 10 लाख, हमारे 10 लाख फॉलोअर और उनके 10,000 फॉलोअर, वो दिन भर में करते करते हमारे 6 लाख रह गए, उनके 4 लाख बढ़ गए। तो एक तरीके से ये ट्रांसफ़र हो रहा था। फेसबुक को भी हमने लिख दिया, वहाँ क्लास एक्शन सूट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। मेरे दोस्त ही हैं, लॉयर हैं अमेरिका में, उनके थ्रू ये वो करके। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि वो ये जो ट्रांसफ़र हो रहे थे फॉलोअर्स, ये सब बंद हो गए और फेसबुक से जवाब आया, नहीं नहीं कुछ गलती हो गई थी, कुछ टेक्निकल गलती। ये ऐसी टेक्निकल गलती कैसे हो गई, मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी बननी है तो कल को ये सारा नेटवर्क पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। तो जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल पार्टी बने या जो आंदोलन का हिस्सा बने रहना चाहते, उसमें से ऐसे लोगों को फिर कहीं ना कहीं से तो बाहर करने का रास्ता दिखाना है। ये वो तो कुछ भी उलझल उल आरोप लगाए, आप सुनते नहीं हो किसी की, आप सुनने का क्या कोई क्लासरूम में थोड़ी आए। जो लोग भी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बातों से सहमत नहीं थे, या तो उन्होंने पार्टी को खुद छोड़ दिया या तो बाद में उनको निकाल दिया गया। पहले शुरुआती दौर में किरण बेदी ने एग्जिट किया, फिर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाला गया, फिर कपिल मिश्रा और फिर कुमार विश्वास। तो जो मैक्सिमम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर टीम के मेंबर्स थे उनको धीरे धीरे साइड करके अरविंद केजरीवाल गद्दी पे पहुंच गए और एक तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन होना था पावर का उसको सेंट्रलाइज कर दिया। अब जिन जिन पॉलिटिशियंस ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा वो लोग वापस से जाकर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ गए, जैसे कि किरण बेदी, कपिल मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो जिन जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था अब उनको ये समझ में आ चुका था कि उनका भरोसा तोड़ दिया जा चुका है। कुछ लोग जो पॉलिटिकली इनएक्टिव होते हैं उनको अभी भी यही लग रहा था कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो इस देश को करप्शन से बाहर निकालने आया था। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो जो बाकी की चीजें वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।